हमारा प्रोजेक्ट है शारजा में, शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। ये पूरी 24 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी है और यहाँ हम शारजा डाउनटाउन बना रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है दुबई डाउनटाउन का। इमार ने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया शारजा में। यहाँ पे हमारे पास एड्रेस होटल, रोव होटल, विदा रेसिडेंसीज है एंड द सेंट्रल पार्ट इज ऑक्यूपाइड फॉर द एंटरटेनमेंट। वहाँ पे शारजा बिग मॉल, डांसिंग फाउंटेन, ड्राइविंग सिनेमाज, ईच एंड एवरीथिंग इज गोना बी देयर इन द मिडिल। एंड वी हैव बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हियर, सेम लाइक बिजनेस बे। देयर विल बी थ्री इंटरनेशनल स्कूल्स, दोस टू आर ब्रिटिश एंड दिस वन इज अमेरिकन स्कूल। और यहाँ पे सारे टाउन हाउसेज वगैरह ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। राइट नाउ वी आर सेलिंग अपार्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन बेडरूम अप टू थ्री बेडरूम्स। And those apartments will be ready in December 2024. Okay. तो 2024 तक ये सारा ready हो जाएगा? पूरा नहीं, हम यहाँ पे one by one करके phase launch करते हैं। अच्छा। तो जो से buildings तो नहीं जो first phase है वो कौन सा है? वहाँ पे। That's already sold out. अच्छा वो बिक चुका है। ओके तो उसके बाद में next phase कौन सा रहेगा? वहाँ पे address hotel के back side पे। ओके उसके उसके पीछे। ओके तो इसका वैसे जो स्टार्टिंग प्राइस क्या रखा गया है? 728,000। ओके। वन बेडरूम की स्टार्टिंग प्राइस है। ओके ओके। और पेमेंट प्लान वुड बी लाइक 30-70, 30% आप पे कर सकते हैं दो सालों में लाइक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और 70% हैंडओवर पे। ओके 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 ओके। और ये पूरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, पहले ये लीज होल्ड था नॉन अरब्स के लिए, अब ये फ्री होल्ड है सब नेशनलिटीज के लिए। यानी कि सभी देशों का कोई भी आके यहाँ पे इसे खरीद सकता है, सभी के लिए ओपन है। ओके ओके। जैसे दुबई में तो सभी नहीं खरीद पाते, लेकिन जो आउटसाइडर है जैसे वो फ्री जोन बोलते हैं जिसे, तो फ्री होल्ड बोलते हैं। हाँ फ्री होल्ड या फ्री जोन के अंदर वो आता है। पूरी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, पहले लीज होल्ड पे था नॉन अरब्स के लिए, अभी फ्री होल्ड है सब नेशनलिटीज के लिए। अभी 2 नवंबर को शारजा ने अपना लॉ चेंज किया डेवलपर्स के साथ, जो खरीदते हो आप तो वो पूरी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी होगी हमेशा के लिए, सेम लाइक इंडिया, जनरेशन टू जनरेशन। या यानी कि वो उसका मालिकाना हक इसके ऊपर रहने वाला है। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है और हम दुआ करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट वाकई में काबिले तारीफ रहे, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वाकई में जबरदस्त रही है, क्योंकि दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने में काफी कामयाब रहे हैं ये। कुछ भी यहाँ पे जैसे खेती वगैरह नहीं होती, उसके बावजूद भी यहाँ सब कुछ मिलता है। हाँ और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं यहाँ पे आके अपना दाव खेलते हैं, जैसे हमारे भी वहाँ आता है, टाटा ने भी यहाँ पे बहुत सारा वो किया है, अंबानी भी यहाँ पे वो कर रहा है, शाहरुख खान का भी यहाँ पे है, उसके साथ में तो है ही उसका दोस्ताना चल रहा है। हम भी थोड़ा थोड़ा लेंगे। हाँ नहीं आप तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन नहीं जो हमारे माध्यम से ये जानकारी ले रहे हैं शायद वो तो लेंगे, क्यों। हाँ और इसके बारे में जो वो एक जो फ्यूचर सिटी है उसको भी तो बना रहे हैं ना? नहीं वो पाइप के अंदर कहते हैं जो जो ट्यूब जैसा। ओके लाहौर क्या बात है। अरे भाई सुना भी का ये पहले इकट्ठा ही था। हाँ तो भाई इसके बारे में बता देंगे भाई, जो शारजा एयरपोर्ट है उस पे क्या है कि काफी कम ट्रैफिक रहता है, क्योंकि लोग यहाँ दुबई आते हैं तो शारजा एयरपोर्ट पे नहीं उतरते और वो काफी दूर रहता है। इस वजह से क्या है कि इन्होंने इस जो ये बहुत बड़ा जो यहाँ पे सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है इसको वहाँ पे डेवलप किया है, ताकि वहाँ भी गैदरिंग बनाई जा सके, वहाँ भी सारा कुछ हो सके और जो भीड़ को है वो थोड़ा सा डिवाइड किया जा सके। तो इस वजह से ये सारा कुछ फ्यूचर प्लान है इनका और काफी अच्छा है देखने में। आपको ये कैसा लगा दुबई के बारे में, जो अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में।